हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? मैं बढ़िया हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। ब्लॉग तो मैंने दिन में बनाने की सोची थी, पर दिन में मैं इतना ज्यादा थक गई थी। सोचा था मैंने एक्स्ट्रा काम कराने की, पर ट्रेन से आने के बाद मैं दिन में पहुंच गई थी घर पे 12:30 बजे पहुंच गई थी। 12:30 बजे से मेरी अभी नींद खुल गई है, 4:30 बजे नींद खुल गई। फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके बस अभी अंधेरा हो चुका है, 6:30 हो चुका है, तो अभी हम कहीं भी नहीं जा सकते। सिर्फ जा सकते तो एक जगह, यहाँ से सरोजनी मार्केट थोड़ा सा पास है। तो गाइस अभी मैं जाऊंगी सरोजनी मार्केट, और आप बने रहना मेरे ब्लॉग पे और मैं आपको दिखाऊंगी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस सरोजनी मार्केट का कैसा रहा करके। सबके मुंह से सुना है कि सरोजनी मार्केट बहुत अच्छा है, आपको बताऊंगी कि कैसा लगा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, मैं आपको साथ शेयर करूंगी पक्का। तो दोस्तों आपको मिलती हूँ मैं सरोजनी मार्केट पे। गाइस फाइनली हम लोग सरोजनी मार्केट पहुंच चुके हैं और अभी जस्ट एंट्री कर रहे हैं। ठीक, लोग सरोजनी मार्केट से आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, दोबारा से थकान हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और सरोजनी मार्केट का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही गंदा रहा है। व्लॉगिंग बनाने का मेरे को उधर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि वहाँ भीड़ ही इतनी हो रही थी, और भीड़ पता नहीं किस चीज़ के लिए हो रही थी। वहाँ सरोजनी मार्केट मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा था उधर का। सुना था कि सरोजनी मार्केट बहुत अच्छा है, चांदनी चौक बहुत अच्छी है, इसीलिए उसी को देखने के लिए आज मैं गई थी उधर ही पे, पास में पड़ता था इधर से, इसीलिए गई थी। पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही, समझ सकते हो आप लोग क्या बताऊँ अब। तो मैं शॉपिंग वॉपिंग तो कुछ करी नहीं उधर पे जो आपको दिखा सकती मैं उधर पे, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी उधर कुछ भी पसंद नहीं आया। खड़ी भीड़ में अपना मैंने टाइम वेस्ट किया उधर पे, ऐसा लगा मेरे को, कुछ भी पसंद नहीं आया, ना कुछ खरीदा मैंने उधर से, कुछ भी नहीं। अब मैं मिलती हूँ आपको सीधे सुबह, क्योंकि हमारी सुबह ट्रेन है 6:30 बजे की। फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना दिल्ली से हल्द्वानी काठगोदाम जाने तक का सफ़र दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंच चुकी हूँ अपने घर और मिलाती हूँ आपको अपनी मम्मी से। ये रही मेरी मम्मी से, हेलो। और अब मैं जा रही हूँ अंदर को क्योंकि थक गई हूँ बहुत ज्यादा। आ जाओ सब लोग, आ जाओ पीछे से। तो गाइस फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर और ये रही मेरी छोटी सिस्टर। हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग दीदी का मेकअप से कर रहे थे लेकिन ये अभी पहुंची है, जस्ट अभी पहुंची है। अभी जा रही हूँ खाना बनाने इनके लिए टेस्टी सा फूड। तो गाइस मेरा रास्ते पे मायका ही पड़ता है, सबसे पहले आने के बाद सबसे पहले मेरा मायका ही पड़ता है। Early the next morning. तो हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से, और अभी मैं हूँ अपने मायके पे। कल ही शाम को हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं मायके, और
तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि ये है मेरा भाई और ये खेल रहा है फ्री फायर पबजी। बोल PUBG भाई पबजी बोल। तो नहीं खेल सकता ये फ्री फायर। एक महीना पबजी का नुबड़ा है, हरा दिया था पबजी का नुबड़ा। उसके बाद यहाँ और ये खेला फ्री फायर। आज मेरे से 1v1 कर ले तू पबजी में। गाइस हार जाता है मेरे से 1v1 में पबजी में। तो अभी हम चलते हैं बुआ जी के घर, दिखाती हूँ आज बुआ का गृह प्रवेश है और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ से दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, दिवाली का पटाखे वटाखे खरीदने के लिए। फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं सीधे बुआ जी के घर पे। बाय। ये है मेरे पोपटलाल पतिदेव। पतिदेव हेलो बोलो। हेलो चलो चलो चलो। और अब मैं मिलाती हूँ आपको मम्मी से पापा से। मम्मी कहाँ है मेरी मम्मी? पापा हेलो। हेलो कैसे हो? हाय लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस सुन रहे हैं आप लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। पापा की बात तो अब माननी पड़ेगी आपको। और आगे पापा भी कल ही रात को पहुंचे, हम कल सुबह कल दिन में पहुंचे थे। रात को 9:30-10 बजे पहुंचे थे पापा। और अभी हमारा धनतेरस का गिफ्ट घर पे आ चुका है और गिफ्ट आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। आपको दिखाती हूँ कि क्या है हमारा धनतेरस का गिफ्ट। और क्या कहना चाहेंगे पापा? क्या कहना चाहेंगे आप? चलो गाइस हैप्पी दिवाली टू ऑल बोले पापा आप सभी को। हैप्पी दिवाली पापा मम्मी दोनों की तरफ से। अभी पापा मेरे रिटायर आने वाले हैं, 9 दिसंबर में रिटायर आ जाएंगे पापा। तो अभी चलते हैं हम लोग बुआ जी के घर और फिर आएंगे मम्मी के वहाँ। और पतिदेव कब से इंतजार है, इंतजार पे है मेरे। तैयार नहीं हो पाई अभी तक। तैयार हो गई थी गाइस पर यही है ना थोड़ा सा लेट वर्किंग। अब हम जाते हैं बुआ जी के घर। तो गाइस ये रहा हमारा धनतेरस का गिफ्ट, दिखाती हूँ आपको। ये रहा हमारी नेक्सॉन। तो अभी हम निकलते हैं, चलो बाय। अरे अभी हम moments later. तो गाइस फाइनली बुआ का वहाँ का फंक्शन खत्म करके हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर। फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं और अब हम कल सुबह का एक और ट्रिप है हमारा। कल सुबह हम जा रहे हैं अपने गांव। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ। पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके गाइस बाय।